फिल्म जगत की लेटेस्ट ऑथेंटिक और इन्फॉर्मेटिव न्यूज के लिए सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड आज और कल। बेल आइकॉन दबाना ना भूलिएगा। ऋषि दा मतलब बहुत मैंने उनके साथ दो तीन तीन चार फिल्में की हैं। ऋषि दा ऐसे घर की तरह थे, बहुत अच्छे थे, मगर वो दखल नहीं देते थे। अगर म्यूजिक डायरेक्टर की अपनी टीम आ रही है तो ऐसा अपनी तरफ से रिकमेंड नहीं करेंगे। पंचमदा थे तो मैंने पंचमदा के साथ भी की उनकी फिल्म, रंग बिरंगी थी तो, मगर उसके पहले जो फिल्में थी वो बख्शी साहब या एस डी वर्मन या राहुल देवर्मन, तो ऐसा मतलब बाकी बहुत अच्छे थे। घर की तरह जाते थे, बैठते थे, अगर काफ़ी मतलब स्क्रिप्ट जब होती थी आनंद के टाइम पे भी उन्होंने सारी सुनाते थे पूरी यूनिट को, चार पाँच लोग बैठते थे तो इस तरह टीम वर्क होता था। एक फिल्म में उनके मैंने डायलॉग्स भी लिखे मगर बाद में मैंने छोड़ दिया उसको। मैं बड़ा टॉर्चर मुझे लगता था, वो फिल्म चली भी नहीं। सबसे बड़ा सुख एक फिल्म थी और ऋषिदा के हिसाब से बहुत गोल्ड फिल्म थी और विजय अरोड़ा गोल्ड मेडलिस्ट उस वक्त उन्ना से आए थे, तो वो फिल्म मैं कर रहा था तो मुझे डायलॉग भी मेरे सर पर डाल दिए थे। तो सुबह से बैठा रहता था, फिर 7 बजे सलीम आते थे, सलीदा की कहानी थी। फिर मैं दादा मुझसे नहीं होगा, गुलजार को मैंने बोला तू लिख यार, मेरे बस की बात नहीं, इतनी इतनी देर में बैठ नहीं सकता हूँ, मेरा दूसरा सॉन्ग राइटिंग का भी काम है जो जिसमें मेन मतलब लोग बुलाते हैं, तो इस तरह।